नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में कितने एयरपोर्ट प्रस्तावित, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। आज पूरा देश याद कर रहा पुलवामा में शहीद हुए जवानों को। बिहार सरकार ने 13 विभागों में 1.5 दर्जन से ज्यादा पद किए खत्म। कैबिनेट विस्तार पर उप मुख्यमंत्री का कांग्रेस को दो टूक। आज हार्दिक नताशा दोबारा लेंगे 7 फेरे। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य में कितने एयरपोर्ट प्रस्तावित, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट के ACJ जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य में एयरपोर्ट के स्थापित करने, विकास, विस्तार और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से बताने को कहा है कि राज्य में एयरपोर्ट बनाए जाने के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर उनकी क्या योजना है, कमी को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा क्या योजना बनाई गई है। कोर्ट के द्वारा दोनों सरकार से यह कहा गया है कि वे बताएं कि इनके संबंध में उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव तैयार किया गया है। आज पूरा देश याद कर रहा पुलवामा में शहीद हुए जवानों को। 4 साल पहले आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारत के बहादुर सैनिकों के द्वारा कड़े कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला पाकिस्तान में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में लिया गया। इसके साथ ही भारत ने इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से अपना व्यापारिक संबंध भी खत्म कर दिया और भारत की तरफ से पाक की सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा भी वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पर हुआ यह आतंकी हमला बड़े आतंकी हमलों में से एक था, जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल सकेगा। बिहार में साइबर क्राइम के खिलाफ EOU का सर्जिकल स्ट्राइक। इन दिनों बिहार में साइबर क्राइम से जुड़े कई मामले सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब इस पर लगाम लगाया जा सके इसके लिए EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत इकाई के द्वारा राज्य के सभी जिलों में छापेमारी की गई है और इस दौरान EOU के द्वारा 10 जिलों से 30 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी साइबर अपराधी के पास से भारी मात्रा में कैश और साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए कि यह पहली बार है जब साइबर अपराधियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देवघर से रांची व पटना हवाई सेवा इस दिन से होगी शुरू। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो देवघर से रांची और पटना की हवाई यात्रा अब 17 फरवरी से शुरू न होकर अब 1 मार्च से शुरू होगी। बता दें कि DGCA द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति दिए जाने के बाद स्लॉट किया गया और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं अगर देवघर से रांची और पटना जाने के लिए हवाई किराए की बात करें तो देवघर से रांची के लिए 2,050 रुपए लगेंगे और देवघर से पटना के लिए किराया 2,500 रुपए लगेगा। जानकारी के लिए बता दें कि 1 मार्च से हवाई यात्रा शुरू हो जाने के बाद से देवघर से रांची का सफर 55 मिनट में पूरा हो जाएगा, वहीं देवघर से पटना का सफर 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। बिहार सरकार ने 13 विभागों में 1.5 दर्जन से ज्यादा पद किए खत्म। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक संकल्प जारी कर यह जानकारी दी गई है कि नीतीश सरकार के द्वारा बिहार के 13 विभागों के 1.5 दर्जन से अधिक पदों को गैर जरूरी होने की वजह से खत्म कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश सरकार के द्वारा जिन 13 विभागों के पदों को खत्म किया गया है, उसमें लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, ग्रामीण विकास कार्य विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विभाग शामिल है। इन सभी विभागों से अंचल निरीक्षक, विजिलेंस उपाधीक्षक समेत कई पद शामिल हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से बिहार के औद्योगिक उत्पादन में होगा इजाफा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इससे बिहार की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वार्षिक विकास दर में वर्ष 2037 तक 12.6% तक की वृद्धि हो सकती है, जो कि इस कॉरिडोर में शामिल अन्य राज्यों की वार्षिक विकास दर की तुलना में सबसे अधिक होगी। इसके साथ ही कॉरिडोर में होने वाले उत्पादन के मूल्य में बिहार की हिस्सेदारी 8% होगी। इस बात की जानकारी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के द्वारा मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कॉरिडोर गया जिले से निकल रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर के निर्माण होने से न केवल राज्य में औद्योगिक विकास होगा बल्कि बिहार में रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे यहां के लोगों का पलायन भी रुकेगा। फुलवारी शरीफ ASP मनीष कुमार पर लटकी कार्रवाई की तलवार।
कुछ समय पहले फुलवारी शरीफ एएसपी मनीष कुमार का 4 सेकंड और 15 सेकंड का दो वीडियो सामने आया था, जिसमें वे पुलिसकर्मियों से अपना शरीर दबाते नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब इन पर इस मामले को लेकर बहुत जल्दी कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एएसपी मनीष कुमार के मामले की जाँच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को मिल गई है। अब बहुत जल्द ही उन पर मुख्यालय की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एडीजी का कहना है कि एएसपी पर कार्रवाई मुख्यालय के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार की जाएगी। इसके साथ इस घटना के बाद एक पत्र भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ जवानों के हस्ताक्षर हैं और इसमें एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से एएसपी की शिकायत की जा रही है। वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर संसद में उठी मांग। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर में पर्यटकों को आने में सुविधा मिल सके, इसलिए बीते दिन सदन में शून्यकाल के दौरान वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर मांग की गई। बता दें कि वाल्मीकि नगर लोकसभा से सांसद सुनील कुमार के द्वारा सरकार से मांग की गई कि वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा का पुनरुद्धार कर हवाई यातायात बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित होने के चलते इस हवाई अड्डे का सामरिक महत्व है। इतना सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक बार फिर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाल्मीकि नगर बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां ज्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। कैबिनेट विस्तार पर उप मुख्यमंत्री का कांग्रेस को दो टूक। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरगर्मी बनी हुई है। कांग्रेस के द्वारा लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस से दो और मंत्री बनाए जाने चाहिए। वहीं अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा भी मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता टीवी पर कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। उन लोगों के द्वारा केवल टीवी पर ही मांग की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कैबिनेट विस्तार को लेकर पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में किसे मंत्री बनाना है वह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तय करेंगे। आनंद मोहन की रिहाई के समर्थन में उतरे सुशील मोदी। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब उनके समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी की हत्या में दोषी पाए गए लोगों को रिहा किया जा सकता है, तो फिर आनंद मोहन को क्यों नहीं रिहाई किया जा सकता। इसके लिए राज्य सरकार को कानून का पालन करते हुए गंभीरता से पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन सीधे तौर पर दोषी भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने उम्र कैद की सजा दी गई। अब तक वह 14 साल जेल में सजा काट चुके हैं और उनका व्यवहार भी जेल में अच्छा है, तो उन्हें रिहाई देने पर विचार करना चाहिए। जीवेश मिश्रा का महागठबंधन सरकार पर आरोप। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा महागठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए उन पर आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार के आने के बाद बिहार में अपराध भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है और मुख्यमंत्री केवल मूक दर्शक बने हुए हैं। जब उनसे बिहार में हो रही घटनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे सीधे बोल देते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर आज के समय में बिहार के जो हालात है, उसके जिम्मेवार केवल मुख्यमंत्री ही है। मुख्यमंत्री ने सब कुछ राजद के हाथ में दे दिया है और बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, और यह साबित कर दिया है कि बिहार का सुपर सीएम अगर कोई है तो वह तेजस्वी यादव है। जीतनराम मांझी ने डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दिलवाने के लिए की मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपनी गरीब संपर्क यात्रा के तहत दूसरे दिन नवादा के खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अछूत जातियों को छुआछूत से मुक्ति दिलाने में श्री बाबू का अहम भूमिका रहा है। उन्होंने कहा कि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अछूतों को झारखंड के देवगढ़ स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में प्रवेश दिलवाया था। श्री बाबू के नाम पर ही यहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी नाम होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि श्री बाबू ही गरीबों और दलितों के मसीहा थे, उन्होंने ही अछूत जातियों को छुआछूत से आजाद करवाया, सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। पप्पू यादव का काफिला भीषण हादसे का हुआ शिकार। बीते दिन देर रात जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव का काफिला सारण से लौटने के दौरान ब्रह्मपुर फोरलेन पर आरा और बक्सर के बीच भीषण हादसे का शिकार हो गया। दरअसल बीते दिन पप्पू यादव मुबारकपुर कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सारण पहुंचे थे। वहां से लौटने के क्रम में पप्पू यादव के काफिले को ट्रक ने ओवरटेक कर दिया, जिस वजह से अनियंत्रित होकर उनके काफिले में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गई और काफिला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दौरान पप्पू यादव को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके साथ मौजूद नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें नजदीक के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आज हार्दिक नताशा दोबारा लेंगे सात फेरे। एक बार फिर आज वैलेंटाइन डे के मौके पर टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी पत्नी नताशा स्टैनकोविक के साथ उदयपुर में शादी करने जा रहे। कपल और उनके परिवार के सदस्य राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं शादी में शामिल होने के लिए विराट, अनुष्का और राहुल आथिया के साथ कई स्टार क्रिकेटर्स उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हार्दिक नताशा की शादी 2020 में जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज से हुई थी, लेकिन अब यह कपल ग्रैंड वेडिंग करने जा रहे हैं जिसमें कई स्टार क्रिकेटर्स शामिल हैं। बता दें कि हार्दिक ने नताशा को 2020 में एक सिप पर प्रपोज किया था और इसके बाद 31 मई 2020 में दोनों ने चुपचाप तरीके से शादी कर ली थी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विक्रम सिंह राजपूत, नुन्नू गोलू कुमार, कमलेश शर्मा, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, विपिन वर्मा, कन्हैया कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, मुटुर रंगीला, अनवर हुसैन, मोहम्मद अंसारी, रेणु देवी, राजकुमार प्रसाद, धीरेन्द्र कुमार, ऋषिदेव, भान प्रकाश मौर्य। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार पुलवामा जैसा आतंकी हमला दोबारा भारत देश पर न हो उसके लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।